हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके फ़ोन में ये चार्जिंग स्लो है तो उसके क्या क्या इशू हो सकते हैं। तो पहला इशू तो आप अपनी केबल चेक करें, जो चार्जिंग की केबल्स होती है, तो आप कोई और केबल यूज़ करके देख लीजिए। तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि आपका फ़ोन सही चार्ज होता है और फिर तो आपके केबल का फॉल्ट है। फिर उसके बाद आप अडेप्टर चेंज करके देखिए, जो उससे नई चीज होती, कोई पहले तो कोई और अडेप्टर ट्राई कर लीजिए, फिर आप ये आपको सही लगता है तो उसके बाद आप अडेप्टर नया ले सकते हैं। या फिर ये दोनों चेक चीज करने के बाद उसके बाद आप अपना फ़ोन का जो पोर्ट होता है उसको क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कई बार डस्ट वगैरह आती है, फिर वो अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं होता, इसलिए हमारी कई बार चार्जिंग पर नहीं लगता फ़ोन और कई बार स्लो होने लग जाता चार्ज, फास्ट चार्ज नहीं होता। उसके बाद जो प्रॉब्लम बैटरी के साथ भी होती है, ये बैटरी चार्ज ना हो रही हो प्रॉपर, पर बैटरी का तरीका बहुत अच्छा पता कर लेगा कि वो आपको बैकअप नहीं देगी, ये चार्ज भी नहीं हो रही तो वो बैकअप नहीं देती कुछ, ये आपकी बैटरी बैकअप सही दे रही है, मतलब कि आपका बैटरी का कोई फॉल्ट नहीं है। फिर जो आखिरी चीज़ रह जाती है वो आपका फ़ोन का चार्जिंग पोर्ट रह जाता है, तो उसके अंदर भी इशू हो सकता है, ये उसके अंदर कोई चिप वगैरह ख़राब हो गई हो, उसके कारण वो चार्जिंग सही ना कर रहा हो। तो जो बोर्ड है वो तो आखिरी ऑप्शन होगी, पहले तो ये नॉर्मल चीज़ें होगी जैसे वायरस होगी, चार्जर अडेप्टर हो गया, फिर आप उसके बाद अपना क्लीन भी कर सकते हो पोर्ट। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो चार्जिंग स्लो करने का रीज़न है। तो और अपना ओरिजिनल वायरस और चार्जर यूज़ करना, कोई और मत उठा लेना, फिर उससे तो चार्ज ही नहीं होगा। तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए कुछ चीज़ आपने पूछनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।